फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में। सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। फ्रेंड्स, आप लोग सर से बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित हैं, आप सर को अच्छे से जानते हैं, सर के वीडियोज आपके पास रोज पहुँचते हैं, रेगुलर वीडियोज सर आपके लिए डालते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन का मोटिव कुछ और है। आज हम आपके लिए एजुकेशन रिलेटेड नहीं बल्कि आपके जो सवाल है उनसे रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। हमारे पास फ्रेंड्स बहुत सारे सवाल आ रहे थे जिनका जवाब खाली कमेंट बॉक्स में देना सर पॉसिबल नहीं था, ये चीज़ हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कर पा रहे थे। सही बात। इसीलिए सर ने ये सजेशन दिया कि जितने भी सवाल हैं उन सवालों को हम लोग कलेक्ट करें और उन सवालों को हम एक सेशन के अंदर आपके सामने लेकर आए और उन सारे सवालों के जवाब हम आपको दें। इसीलिए फ्रेंड्स, हमने ये चीज़ स्टार्ट की और आपके बहुत सारे सवाल हम तक पहुँचे और उन सारे सवालों को इकट्ठा कर फ्रेंड्स हम आपके लिए ये सेशन लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें क्वेश्चंस आपके होंगे और जवाब हमारे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो लाइव पढ़ाने में यानी क्लासरूम स्टडीज में, क्लासरूम टीचिंग में और ऑनलाइन टीचिंग में कितना बड़ा डिफरेंस है, आपको इसके कितना प्रिपेयर करना पड़ता है? नहीं, ऑनलाइन टीचिंग जो बच्चों को वीडियो बनाने पड़ता है, आप लोगों को जो वीडियो बना के देते हैं बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है, इतना ईजी नहीं होता। क्लास में हमारे सामने स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे सामने यहाँ पर भी स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते, क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन यहाँ पर आपकी सभी प्रॉब्लम दिमाग में रखनी पड़ती हैं। ये देखना पड़ता है कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, आप पूछने वाले नहीं हो, हर बात को हमें बहुत बारीक से बारीक बात को टच करना होता है। क्लास में पढ़ाना बहुत ईजी होता है, कैमरा के सामने पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, उससे कई गुना मुश्किल काम है, ठीक। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए बहुत अच्छे से वीडियो देते हैं, बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं अच्छे से वीडियो देने की। सो फ्रेंड्स, सर आपको पता चला कि आपके लिए वीडियोस बनाना आसान काम नहीं है, ये बहुत ही टफ हम लोग के लिए होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम लोग ये लेकर आते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं आप लोग के सवालों के साथ। तो आज सर हमारे पास जो पहला सवाल है वो है, सर आज की जो यूथ जनरेशन है, आज की जनरेशन केवल स्कूल और कोचिंग तक ही लिमिटेड नहीं है, वो लोग आउटसाइड लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, तो सर आप ये बिलीव करते हैं कि ये जो ऑनलाइन मीडियम है ये बिल्कुल सही है बच्चों के लिए? नहीं, ऑनलाइन मीडियम बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन केवल स्टडी करते हैं, किसी कोचिंग में नहीं जाते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। जब से इंडिया में जियो आया है तब से यूट्यूब आया है, ठीक है, और यूट्यूब अब हर बच्चे की पहुँच में है, बहुत कम प्राइस पर गाँव में, शहर में, बड़े शहर में, छोटे शहर में, हर जगह अवेलेबल है, और स्टूडेंट जहाँ पर उनको ट्यूशन नहीं मिल पाते हैं वहाँ पर वो यूट्यूब की हेल्प से पढ़ते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के वीडियो आते रहते हैं और मैं समझता हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन सर, इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ काफ़ी बार डाइवर्ट भी हो जाते हैं और एजुकेशनल वीडियोज दूसरे वीडियोस देखने लगते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कहूँगा दूसरे वीडियो बिल्कुल ना देखें, लेकिन जिस डायवर्सन में स्टूडेंट जा रहा है, जब जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट डाइवर्ट हो रहा है वो थोड़ा ठीक नहीं है। स्टूडेंट को ये ध्यान रखना चाहिए उसे क्या देखना और क्या नहीं देखना है, इससे टीनेज को ये बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उसको यूट्यूब पर क्या चीज़ देखनी है और क्या चीज़ नहीं देखनी है। मेरा सारा ही समझ लें कि आप अपने को थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें यूट्यूब पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा उसका यूज़ हो पाएगा। अधिकतर मेरे पास ये भी आता है बच्चों का शिकायत कि सर हमारा मोबाइल ले लिया है और पेरेंट्स हमें मोबाइल नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को विश्वास में लीजिए, ठीक है, उनको लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं और बेकार की चीज़ें यूट्यूब पर देखते रहते हैं और अपना समय ख़राब करते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ आपके पेरेंट्स मना नहीं करेंगे कि आप एजुकेशनल वीडियो देखते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे तब मना करते हैं जब आप इधर उधर की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, अपना समय गेमिंग में लगा रहे हैं या बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन पर देखने में लगा रहे हैं, तो उस पर अपना समय ज़्यादा ख़राब मत करिए। समय ज़्यादा ख़राब करना है तो आपका जो एजुकेशन चैनल है उन पर ख़राब करने की कोशिश करिए। सर ने हमारे एक सवाल का और जवाब दे दिया। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आया कि सर पेरेंट्स हमारा मोबाइल छीन लेते हैं, मतलब कभी मोबाइल दे दिया कभी मोबाइल छीन लिया, तो हम लोग रेगुलर स्टडीज नहीं कर पा रहे, ये हमारे पास कंट्रोल करें वो मोबाइल पेरेंट्स इसलिए छीनते हैं, वो बच्चे उसका मिसयूज करते हैं, ठीक है, जब मिसयूज करते हैं तो पेरेंट्स छीन लेते हैं उसको, उनको लगता है हर समय आप मोबाइल पर बैठे हो, हर समय मोबाइल लगा रहे हैं आपके हाथ में, तो ठीक नहीं है ना।
मोबाइल का यूज इतना ही हो जितना बस ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो टीचर से देख लिया जाए, पूछ लिया जाए, वो अच्छी बात है। सर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बच्चे के करियर से रिलेटेड है। बच्चे आजकल अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट सवाल है सर वो ये है कि ये बच्चा कहना चाह रहा है कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ लेता है, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे 11th क्लास में मैथ्स लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। नहीं, कौन सी क्लास का स्टूडेंट है सर? ये 10th के स्टूडेंट है। 10th क्लास का स्टूडेंट है, आगे इन द फ्यूचर 11th क्लास में मैथमेटिक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? स्टूडेंट्स कई बार इस कंडीशन में आपकी हेल्प आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, और आपके जो बहुत रिलेटिव नज़दीक रिलेटिव्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप अभी 10th क्लास में इतने मैच्योर नहीं होते हो कि आपको 11th क्लास में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। बहुत स्टूडेंट ये कहते हैं कि उनका इंटरेस्ट है वो चीज़ लेनी चाहिए, ठीक है, वो आता होना चाहिए, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट है वो लेना चाहिए। यदि आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है तो आप 11th क्लास में जरूर मैथमेटिक्स लें, बहुत अच्छे करियर है मैथमेटिक्स में, आप आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो मैथमेटिक्स के साथ, और किसी के मतलब जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, आपको अनावश्यक जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है उसे लेने की कोशिश करें, और मैथमेटिक्स आपको अच्छा लगता है तो मैथमेटिक्स जरूर लें, मतलब इंटरेस्ट पे फोकस आपको रखना चाहिए। यस, ओके सर। सर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बच्चों के 10th बोर्ड से रिलेटेड है। आजकल बच्चे बोर्ड एग्जाम, क्योंकि अभी हाल ही में दोबारा से लॉन्च हुआ है, पहले नहीं था, तो इस चीज़ को लेकर बच्चे काफ़ी नर्वस हैं, तो बच्चे से ये पूछना चाहते हैं कि जो 10th बोर्ड है उसमें 100% मार्क्स सिक्योर करने के लिए वो किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स ये कहते रहते हैं कि अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएं। 100% मार्क्स लाने के लिए थोड़ा सबसे बड़ी बात यह है कि एक 100% राइटिंग के लिए, 100% मार्क्स के लिए उसका राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, इस बात का प्लस पॉइंट होता है। आप कहोगे मैथमेटिक्स से राइटिंग का क्या यूज है, तो मैं कहूँगा आपका ब्योदा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी कौन सी बुक करें, कहाँ से क्वेश्चन करें, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इस मामले में, पिछले 20 साल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स 10th क्लास का, मेरा अनुभव यह है कि आप एनसीईआरटी बुक पहले करें, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक है उसे करें, और पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर कर लें। यदि आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप 100% मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। 10th बोर्ड में 100% मार्क्स लाने के लिए बहुत मोटी मोटी बुकें पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। सेलेक्टेड कोर्स को बहुत बार बार रिवाइज करें, सेलेक्टेड कोर्स की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एक क्वेश्चन को कई बार करें, बहुत सारे क्वेश्चन एक बार नहीं करें, ठीक है, मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे क्वेश्चन आप एक बार करेंगे इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ क्वेश्चनों को आप बार बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो पाएगी और अच्छी तरह से आप अपने क्वेश्चनों को लिख पाएंगे। कॉपी में 100% आपका प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपकी कॉपी बोलनी चाहिए, लगना चाहिए, आपकी फिगर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, डायग्राम सही तरह से बना क्या है, तो आपके 100% मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके 100% कॉपी आती है तो कॉपी कई बार चेक की जाती है, इसलिए आपको नंबर कहीं कटे नहीं, इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। जरा सी मिस्टेक होने पर आपका एक नंबर कट सकता है, 99 हो जाएंगे। जब आपके 100 नंबर क्वेश्चन आती है, कॉपी आती है, तो हम बोर्ड में देखते हैं, हम कॉपी चेक करने जाते हैं, वो कॉपी को बार बार देखा जाता है कि देखा जाता है कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि वो कॉपी बोर्ड पर वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो राइटिंग का ध्यान रखें, सही तरह से प्रेजेंटेशन करें, सही तरह से क्वेश्चन लिखें, सही तरह से उसका आंसर को लिखने की कोशिश करें, तो नंबर लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैथमेटिक्स में आजकल बहुत सारे बच्चे 100 में से 100 नंबर लाते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखें सेलेक्टेड कोर्स करना है और सेलेक्टेड कोर्स को बार बार प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छी बुक क्या है, एनसीईआरटी टेस्ट बुक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर, इतना करेंगे तो निश्चित ही आप 100% मार्क्स ला सकते हो। जी जी सर, लेकिन इसमें कुछ बच्चे ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, कि मतलब सारी बुक्स हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, क्या सिर्फ एनसीईआरटी से हम लोग प्रिपरेशन नहीं कर सकते? देखिए, एनसीईआरटी से प्रिपरेशन बहुत, सबसे पहले एनसीईआरटी करनी चाहिए, ठीक है, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी करें, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, दोनों सरकारी बुक हैं और पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं। लेकिन आप कोई रिफ्रेशर बुक करते हैं तो मैं ज़्यादा उसके फेवर में नहीं, ज़्यादा मोटी मोटी बुक्स करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ कि ज़्यादा आप मोटी मोटी बुक करें, कुछ सेलेक्टेड पार्ट को बार बार रिवाइज करें, प्रैक्टिस मतलब बहुत कहने का मतलब एक क्वेश्चन को, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आप एक बार नहीं करें, कुछ क्वेश्चनों को बार बार करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, जस्ट बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट बन जाएंगे। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ा है कंसेप्ट, कोई क्वेश्चन कैसे किया ये बहुत क्लियर होना चाहिए, उस जैसा दूसरा क्वेश्चन करने की आपने ताकत होनी चाहिए। ठीक है, आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम है आप पढ़ रहे हैं तो आपको ठीक है, फॉर्मूला आपको चित्र याद है, आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि फिगर किस तरह का बनेगा, क्या कंडीशंस क्रिएट होंगी, ये बातें कॉमन सेंस की पता होनी चाहिए, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आजकल बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, साइंस की अलग, मैथ्स की अलग, सब जगह बच्चे कोचिंग क्लासेस जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं, दोनों ही टीचर्स बिल्कुल डिफरेंट मेथड से पढ़ाते हैं। अब बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस टीचर को फॉलो किया जाए और किस तरीके से सिचुएशन को टैकल किया जाए। देखिए पहली बात तो यह है कि ये कहना कि टीचर डिफरेंट मेथड से पढ़ाते हैं थोड़ा ठीक नहीं होगा। टीचर्स हमेशा एक ही मेथड से पढ़ाते हैं, वो अलग अलग सोच हो जाती है बच्चों की कि डिफरेंट मेथड पढ़ाते हैं। पर मेरा सजेशन रहेगा कि वो स्टूडेंट्स अपने स्कूल के टीचर को फॉलो करें। ठीक, स्कूल का टीचर उनको क्या पढ़ा रहा है मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, उसको सब पता है कि उसको क्या पढ़ाना है। ठीक है, कोचिंगों में इतना, एक कोचिंग में डिफरेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, कोचिंग वाले ठीक है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ स्कूल वालों को उन्हें फॉलो करना चाहिए। ईमानदारी की स्कूल के साथ जो टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक, ओके। और डिफरेंट मेथड वाली बात नहीं है, मेथड बस सीधी सी बात है, मेथड एक ही होते हैं, ऐसा कोई विशेष कन्फ्यूजन का विषय नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। आप ये दो मेथड अलग अलग बात हो रही है तो उसमें दोनों से आप क्रॉस कर सकते हो, पूछ सकते हो सर ये क्या है, आप दूसरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना, तो दोनों से पूछ सकते हो सर हमने ये बताया गया आप ये बता रहे हैं दोनों में अंतर क्या है, तो वहाँ पर क्लियर कर लिया। दो मेथड नहीं है, मेथड वो एक ही होगा लेकिन उसे आप क्लियर कर सकते हो, उसे कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मेथड वो एक ही होगा। ठीक है, यस, ओके सर। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो फिर से करियर से रिलेटेड है, आजकल के बच्चों को करियर की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है अपने, तो करियर से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बच्चा सर कह रहा है कि वो मैथ्स में काफ़ी अच्छा है, मैथ्स उसे पढ़ना भी अच्छा लगता है, वो काफ़ी अच्छा है मैथ्स में, बट इन फ्यूचर वो आर्ट्स लेना चाहता है। अब उसे उसकी जो फैमिली है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, वो सब प्रेशर कर रहे हैं मैथ्स और साइंस के लिए, तो उसे क्या करना चाहिए सर इस सिचुएशन में? नहीं नहीं, इसका क्वेश्चन आंसर अभी हमने दिया है थोड़ी देर पहले, आपको बताया है कि देखिए ये एक्चुअली कई बार टेंथ का स्टूडेंट्स ये निर्णय नहीं ले पाता है कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ठीक है, मैं व्यक्तिगत बताऊँ, टेंथ का स्टूडेंट इतना अभी नहीं है, टेंथ के स्टूडेंट्स में उनके पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है, उसे पूछना चाहिए कि क्या हो सकता है। फिर दूसरी बात, अपना इंटरेस्ट है, आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो आपके पेरेंट्स भी इस बात को समझ लेंगे कि आपका रियल इंटरेस्ट है उसमें, तो आपको आर्ट्स ही दिलाएंगे, मैथमेटिक्स साइंस क्यों दिलाएंगे। ठीक है, ऐसी विषय नहीं है, लेकिन आप केवल ये सोच रहे हो कि आर्ट्स दूसरा स्टूडेंट कर रहा है या फलाना स्टूडेंट आर्ट्स के लिए बहुत अच्छा कर लिया है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें बात को, ठीक है, उनके साथ बैठें, अपने टीचर के साथ शेयर करें, केवल अपने निर्णय पर नहीं रखें। टेंथ क्लास का स्टूडेंट इतना मैच्योर नहीं है कि खुद निर्णय ले सकें, उसके पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए, टीचर के साथ बात करनी चाहिए, और उसे जो अच्छा लगता है वो बात अपने पेरेंट्स से करनी चाहिए और उसे समझनी चाहिए कि वो क्या कह रहा है। ठीक है ना, अच्छा रहेगा सर। बट इन केस अगर वो बच्चा प्रेशराइज होता है, उसे प्रेशर मिलता है कि उसे साइंस ही लेना है, भले ही वो अच्छा है उस फील्ड में बट वो लेना आर्ट्स चाहता है, तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं, वो आर्ट्स ही ले रहे, पेरेंट्स को कन्विंस, ऐसा आर्ट्स लेने की बुराई थोड़ी है, आर्ट्स भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। ठीक है, आर्ट्स लेने की बुराई नहीं है, आर्ट्स को ऐसा हो साइंस वाले बहुत अच्छा होते हैं, आर्ट्स वाले बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है ना, इन द फ्यूचर मैं समझता हूँ आर्ट्स वालों का ज़्यादा फ्यूचर अच्छा है साइंस वालों से, तो ऐसा नहीं, वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है। ठीक, पेरेंट्स से बात करें आप, अपने से उनको बताएं कि आप रियली क्या लेना चाहते हैं और आपको क्या अच्छा लगता है, तो आपके टीचर और आपके पेरेंट्स आपको आपसे ज़्यादा जानते हैं, ऐसी बात नहीं है आप ये सोचते हो आप ही समझदार हैं, पेरेंट्स और टीचर भी आपको उतना ही जानते हैं जितना आप अपने को जानते हैं। ठीक, चलिए, मीन्स कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करें कि आप क्या लेना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें समझाने की कोशिश करें। yes, जो आपका पॉइंट है वो समझ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हम लोग पूरे दिन स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन में पढ़ाई करते हैं, मतलब पढ़ाई के अलावा इस टाइम कुछ भी करना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, मतलब जो भी है वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कहता है, इस वजह से बच्चे जो है वो अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। नो, इंटरेस्ट आपके हिसाब से यूट्यूब देखना है? नहीं सर, इट मींस जैसे बच्चे बाहर खेलना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, तो उसमें मतलब पीछे से डांट पड़ती है कि बोर्ड एग्जाम है पढ़ ले। नहीं नहीं, बोर्ड एग्जाम पढ़ ले ये तो अच्छी बात है, बोर्ड एग्जाम पढ़ ले, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप टेंथ क्लास के बच्चे या ट्वेल्थ क्लास के बच्चे वो अपना इसीलिए समय निकाल लेते हैं, ये कहना कि के नहीं निकाल पाते हैं, पूरा समय निकालते हैं और खेलने पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे में खेलने पर रुकूंगा नहीं, आपको कम से कम एक घंटे शाम को डेली खेलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि आप कोचिंग और स्कूल ठीक है ज़्यादा चक्कर में कई बार फंस जाता है स्टूडेंट्स, कई बार कोचिंग में चक्कर काटता रहता है, पता लगा स्कूल से 2 बजे आया, 4 बजे कोचिंग चला गया और 4 बजे से 8 बजे तक कोचिंग पढ़ रहा है, फिर थक गया, फिर उसने टीवी देखा सो गया, फिर दोबारा वही सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि सेल्फ स्टडी करना, पढ़ना उसे कहते हैं खुद पढ़ना। ठीक है,
पढ़ना मतलब ये नहीं है कि आपको स्कूल में पढ़ा दिया गया तो आप पढ़ लिए या आपने कोचिंग पढ़ा दिया तो पढ़ लिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स में तो ये होता है कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक पढ़ना नहीं माना जाएगा, ठीक है। मेरे आप यूट्यूब पर क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो उनको पढ़ना नहीं माना जाएगा, बस ठीक है। पढ़ने का मतलब होता है क्वेश्चन देखने के बाद उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, यदि कर पा रहे हैं तो आपने रियली पढ़ लिया, अदरवाइज सब टाइम खराब किया गया, ठीक है। और कोचिंग में भी ऐसा है, कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है या स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ सेल्फ स्टडी करें, और सेल्फ स्टडी से समय निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम से कम आपको 3 घंटे की सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए, पर मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ बच्चों का ऐसा नहीं हो पाता है। वो कई बार 8 बजे तक कोचिंग के चक्कर लगाते रहते हैं, स्कूल से आते हैं 2 बजे फिर कोचिंग के चक्कर लगाते हैं और फिर 9 बजे तक खाना वाना खाते हैं, 1 घंटे पढ़ते हैं, ज़्यादा ज़्यादा फिजिकली बहुत थक जाते हैं, और फिर 1 घंटे पढ़ते हैं उसके बाद सो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट करें, कोचिंग में कम से कम जाएँ, हो सके तो वीक में 2-3 दिन लें, ठीक है, 1-1.5 घंटे की डेली कोचिंग लें, या तो बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी जाएँ, अदरवाइज आजकल यूट्यूब है आपके पास बहुत कुछ अवेलेबल है, उस पर देखते कोशिश करें। हो सकता है कुछ पेड प्रोग्राम है तो आप कुछ पैसे देकर कुछ प्रोग्राम्स खरीद सकते हैं यूट्यूब पर भी, जो बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है आप उसका यूज़ करना चाहिए और अपने समय बचाएं, किसी तरह से अपना समय बचाने की आप कोशिश करें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब तक आप समय नहीं बचा पाएंगे सेल्फ स्टडी के लिए तब तक मैं समझता हूँ काम नहीं चल पाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी, खुद काम करना। देखिए मैथमेटिक्स में जब तक आप प्रॉब्लम को खुद नहीं देखोगे तब तक आप प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपने क्या किया, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपने बिना देखे बिना उससे समय खराब किए फिर बिना समय लगाए और आपने उसका सॉल्यूशन भी देख लिया तो हमें कोई अच्छी बात नहीं है। आपको प्रॉब्लम के साथ जूझना चाहिए। मैथमेटिक्स में विशेष तौर से इस पर ध्यान रखें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्या कंसेप्ट लग रहा है, ये बात बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको आपके सारे सवालों के जवाब बिल्कुल क्लियर मिल रहे होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर, ये बच्चा 9th का स्टूडेंट है और ये कह रहा है कि वो आगे IIT की प्रिपरेशन करना चाहता है, इसकी वजह से वो 10th में कोचिंग की वजह से प्रॉपर क्लासेस नहीं ले पाएगा स्कूल में, तो वो 10th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करे वो ये जानना चाहता है। नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं इस बात का बिल्कुल सजेशन दूंगा कि वो स्कूल छोड़कर वो केवल काम करे। हाँ, कोई स्कूल ऐसा हो जहाँ पर दोनों चीज़ तैयार कराई जा रही है तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन वो स्कूल छोड़कर कोई लोग कोचिंग में जाए मैं इसके फेवर में नहीं। मेरे हिसाब से उसे बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, 100% मार्क्स लाए, 90+5 नंबर लाए लेके आए, तैयारी करें, उसके साथ कर सकता है, लेकिन स्कूल बिना जाए वो खाली कोचिंग में जाता है मैं इसके फेवर में नहीं, बिल्कुल फेवर में नहीं। इट मीन्स कि वो अपना टाइम खराब करेगा। टाइम खराब करना नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अनुभव है कि उसे पहले 10th क्लास अच्छे से करनी चाहिए, 11th 12th अच्छे से करनी चाहिए, उसके बाद उसको बोर्ड IIT की तैयारी करने की प्लान करना चाहिए। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सर ये बच्चा जो है वो ये कह रहा है, सर स्कूल घर टीचर सभी बोर्ड एग्जाम के नाम से डराते हैं, बोर्ड है यही सुन के पढ़ना पड़ता है पूरे दिन, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, सर क्या करें ऐसी सिचुएशन में। कुछ क्या करना चाहते हैं, मतलब कुछ नहीं कर सकते क्या मतलब होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आप मस्त रहें, सबसे बड़ी बात है खुश रहें, ठीक है, कोई हवा नहीं है, बहुत बड़ा टेंशन नहीं है, बोर्ड चलाना, बोर्ड एग्जाम के नाम से डराया जा रहा है, जबरदस्ती डरने वाली बात है, कोई विषय नहीं है। आपने विश्वास करिए बोर्ड का जो पेपर आता है वो आपके जो पेपर हुए ना, हाफ ईयरली हुए या प्री बोर्ड हुए या होंगे आपके, ठीक है, उनसे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। मैं बहुत क्लियर कर दूँ, आपका बोर्ड का पेपर आपके 9th का जो पेपर था उससे टफ नहीं आएगा, इसलिए टेंशन का विषय नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक जबरदस्ती साइकोलॉजिकल टेंशन बन जाता है वो नहीं बनाना है, आपको प्रेशर रहना, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से मन लगा के करनी है। और बोर्ड ने अब तो उन स्टूडेंटों के लिए जो टेंशन में आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कर दिया है कि आपको 100 में से पास होना है, 20 नंबर आपके स्कूल के लेवल पर होंगे और आपको 80 में से केवल 13 मार्क्स लाने होंगे, तो टेंशन वाली विषय नहीं है। हाँ, दो स्टूडेंट्स 100% मार्क्स लाना चाहते हैं वो भी टेंशन में नहीं आए, 100% मार्क्स टेंशन तो नहीं आएंगे, टेंशन लेने से नहीं आएंगे, टेंशन फ्री होकर रहेंगे तो टेंशन नंबर आ पाएंगे, ठीक है। ओके सर, आज का जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जैसे मैं कहूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसे बच्चों जानना चाहते हैं वो ये है सर कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ये हमारे पास जो क्वेश्चन से ज़्यादा आए हैं वो 10th और 12th के बच्चों के आए हैं, क्योंकि इन लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ये लोग काफ़ी नर्वस चल रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकली बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तो काफ़ी नर्वस चल रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है उन पर,
तो ऐसी सिचुएशन में सर वो खुद को शांत रखने के लिए, कॉन्फिडेंट रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए ऐसा क्या करें जिससे उनका पूरा दिन एकदम अच्छे से जाए और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें? ठीक, इसके लिए मेरा सजेशन है स्टूडेंट्स करने की कोशिश करें, या तो स्टूडेंट्स बहुत बड़े शहर मेट्रो सिटी में रहते हैं या जहाँ पर घूमने की जगह नहीं है वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, पर मेरा सजेशन है कि यदि आप सुबह आधे घंटे घूम लेते हैं, मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं या रेस लगा लेते हैं, 10th क्लास और 12th क्लास स्टूडेंट तो मॉर्निंग रेस लगा सकता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहने मतलब फिजिकली एक्सरसाइज आधे घंटे की सुबह जरूर हो जाती है और हो सकता है थोड़ा बहुत सुबह प्राणायाम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेंशन ना लें बिल्कुल भी, अपनी डाइट का भी ध्यान रखें, खट्टी फिटी चीज़ें नहीं खाएं, आप कभी पानी पूड़ी वगैरह कुछ खाते रहते हो ठीक है, इसी बचने की कोशिश करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सुबह मॉर्निंग वॉक करें, जल्दी जगह। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, कई बार हम देखते हैं पेरेंट्स कहता है कि बस आने से आधे घंटे पहले जगते हैं, जब स्कूल की बस आती होती है उससे आधा घंटे पहले जगते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और सीधे बस में बैठ जाते हैं, तो उससे न तो आपका स्कूल अच्छा हो पाता है ना आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाती है। ठीक है, कम से कम आधा घंटा जरूर समय निकालें कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करें। ठीक है, स्कूली एक्सरसाइज अलग बात है, आप स्कूल में फिजिकल पीरियड मिलता है उसमें आप जाते हो, फील्ड में जाते हो, कुछ करते हो, वो अलग बात है, लेकिन मॉर्निंग में आपको कम से कम आधा घंटा जरूर अपने निकालना चाहिए, हो सके तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह थोड़ा सा कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, ये भारती भी करती है, इस पर भी बहुत अच्छा रहता है, ये सुबह सुबह मेडिटेशन करती हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाती हैं, तो इनको बहुत अच्छा रहता है। ये आर्ट की स्टूडेंट रही हैं मेरी, आप इसको भी ले सकते हो, इनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स छोड़कर आर्ट्स की स्टूडेंट रही और एक बहुत अच्छा इन्होंने किया है। जी सर, सर ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जिन पे आज हम लोगों ने बात की, जिसमें हमें काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला। आप लोग के जो क्वेश्चंस आए थे वो हमारे पास ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम रिलेटेड थे। सर एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी था, मैंने उसे ऐड तो नहीं किया, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ ये था कि बोर्ड एग्ज़ाम में थ्योरम्स कैसे आती हैं सर, किस तरीके की थ्योरम्स आती हैं मैथमेटिक्स में? हाँ, मैथमेटिक्स में 5-6 थ्योरम्स हैं केवल, ठीक है, जो आपको प्रूव करने के लिए आ सकती हैं। ठीक है, एरिया ट्राइंगल से संबंधित जितनी थ्योरम्स हैं वो आप 5-6 थ्योरम्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से कर लें, कोई परेशानी वाले विषय नहीं है। ठीक है ना, उनको सही तरह से प्रैक्टिस बनाएंगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम है, बीपीटी है, उनकी कन्वर्स है, एरिया रिलेटिव सर्कल थ्योरम्स हैं, इनको बस कन्वर्स भी इनकी कर लें थोड़ा सा, जैसे पाइथागोरस है तो पाइथागोरस की कन्वर्स क्या है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, बीपीटी क्या है उसकी कन्वर्स थ्योरम क्या है, ये थ्योरम्स आप अच्छी तरह कर लेंगे। केवल 5-6 थ्योरम्स हैं जिनको बार बार करेंगे तो अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे, लेकिन थ्योरम जरूर आती रहती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। सर ये था हमारा आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें आपने हमें बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ सवाल जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो जो इस सेशन का कंक्लूजन निकल के आया है फ्रेंड्स, वो सिर्फ इतना निकल के आया है कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो हॉरिबल नहीं है, मैथमेटिक्स हॉरिबल नहीं है। मतलब नहीं, मैथमेटिक्स का कोई सब्जेक्ट हॉरिबल नहीं है, किसी के लिए मैथमेटिक्स होता है हॉरिबल, किसी के लिए एसएसटी होता है, ऐसा कोई विषय नहीं है, तो कोई हॉरिबल नहीं होता है, मन लगा के पढ़ाई करना जरूरी है, पर थोड़ा सा अपना मन लगाया इस काम में, जबरदस्ती ना पढ़े। एक्चुअली क्या है, पेरेंट्स कहें या मैं कहूँ या कोई टीचर कहे, जबरदस्ती पढ़ाई हो नहीं सकती, पढ़ाई तभी हो सकती है आप खुद आप पढ़ना चाहें। ठीक है ना, खुद अपने को थोड़ा सा सोचें, इन्वॉल्व करें पढ़ाई में तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। जो स्टूडेंट अपने आप पढ़ते हैं जिन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती वही स्टूडेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं, जो जबरदस्ती पढ़ते हैं उनसे अच्छा होने की संभावना नहीं की जा सकती। मतलब खुद पढ़ने की आदत डालें ताकि आप बेटर से बेटर कर सकें। तो फ्रेंड्स वीडियोस की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके कॉमेंट्स आ रहे हैं कि 10th के वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सर प्रॉपर वीडियोस डाल रहे हैं। प्रॉपर मेरा 10th क्लास का सिलेबस सारा डाल दिया गया है आपको। ठीक है, अब मैं 10th क्लास के लिए आपको सैंपल पेपर तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, वो सैंपल पेपर आते रहेंगे। आपकी ई बुक का भी कंसेप्ट बहुत दिन से बहुत से तो फंसा हुआ पड़ा है, वो एक्चुअली वो फॉल्ट मेरी तरफ से नहीं हो रहा है, फॉल्ट मेरा डेवलपर है जो वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं उनकी तरफ से क्रिएट हो गया है। ठीक है, शॉर्ट आउट हो जाएगा, मेरी पूरी कोशिश करी है तो शॉर्ट आउट हो जाए तो मैं आपको कुछ दे सकूँ और वो दूंगा, वो बहुत बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं वहाँ पर आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और रेगुलर वीडियोस आपको एसएसटी और मैथ्स के टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सर एक इन्फॉर्मेशन शायद आप और देना चाहते थे, विद्याकुल वेबसाइट पर कुछ वीडियोस जा रहे हैं और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने विद्याकुल वेबसाइट पर 100 क्वेश्चन की सीरीज क्रिएट करी है। ठीक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप विद्याकुल साइट पर जाकर उस 100 क्वेश्चन सीरीज को देख सकते हो। वो 100 क्वेश्चन सीरीज विश्वास करिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। ठीक, उस 100 क्वेश्चन जो है वो इस तरह से मैंने डिजाइन करें, 100 कॉन्सेप्ट्स हैं,
यदि आप उनको कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, टॉपिक्स जल्दी से अच्छे से समझ सकते हो। 100 क्वेश्चन याद आप बार बार करेंगे तो मैं समझता हूँ आपको कॉन्सेप्ट एक तरह से याद हो जाएंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्विक रिवीजन आप बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि पूरी बुक्स उठा के पढ़ सके। ओके फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस चीज का लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और न्यू चैप्टर्स के साथ। तो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस पूरे सेशन में जुड़े रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। नमस्कार।